नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के महू स्थान में जन्म हुआ एक पावरफुल लीडर जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहब ने इतने महान काम किए कि पूरी दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। बाबा साहब का जीवन सचमुच में संघर्ष और सफलता की ऐसी मजबूत मिसाल है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडिया में सैनिक थे, जिनके 14 बच्चे थे जिनमें वे सबसे छोटे थे। पिता के ट्रांसफर के कारण पूरे परिवार को महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट होना पड़ा। छोटी उम्र में ही बीमारी के कारण इनकी मां का देहांत हो गया था। बचपन से ही बड़ी कठिन परिस्थितियां डिफिकल्टीज से यह गुजरे। उनके 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थिति में की। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए उनका इलाज किया करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाए। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। भीमराव अंबेडकर को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन दलित समाज में, महार जाति में इनका जन्म हुआ तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पर आम बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बहुत बड़ा जुगाड़ लगाकर नजदीक के स्कूल में एडमिशन करवाया। उनको वहां बैठने नहीं दिया गया, उन्हें बोला गया बाहर बैठकर पढ़ो। सोचो, छोटा सा बच्चा बाहर बैठकर पढ़ता था। उनकी पढ़ाई में बड़ी रुचि थी, बाहर बैठकर इतना ध्यान से पढ़ते थे कि एक बार टीचर ने उन्हें बुलाया और बोला ब्लैकबोर्ड पर सवाल सॉल्व करके दिखाओ। वह ब्लैकबोर्ड पर सवाल सॉल्व करने गए तो सारे बच्चे चिल्लाए मास्टर जी मास्टर जी, ये नीची जाति का। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्लाकर ब्लैकबोर्ड की तरफ भागने लगे। वह हैरान हो गए कि ये लोग क्यों भागे। तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए वहां से और उन्हें पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे, क्योंकि उन बच्चों को यह डर लग रहा था कि उनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। ऐसी कई छोटे धक्के उन्हें लगे। एक बार कुएं से जब वो पानी पीने लगे तो लोगों ने उन्हें बहुत मारा। एक बार भीमराव नाई के पास बाल कटवाने गए तो नाई ने बाल काटने से मना कर दिया और बोला भाग जा यहाँ से, तू नीची जाति का, इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा और आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शे से उन्हें उतार दिया, बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे पर। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लग गया था कि वे नीची जाति के हैं। और उसके बाद उनसे वे बोले तुमसे डबल पैसे लूंगा और रिक्शा अब तू ही चलाएगा। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं परछाई तक से दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज़ सुनने से भी लोग सोचते थे कि क्या अपवित्र हो जाए। ये दर्द जो इनको सहना पड़ा, इस दर्द ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चलकर इनकी लीडरशिप को स्ट्रांग करने में। इनके पिताजी इनको सयाजी महाराज गायकवाड़ राजा के पास लेकर गए। उन्होंने इनकी तकलीफ को समझा और इसकी पढ़ाने की इच्छा को देखकर उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। भीमराव अंबेडकर ने पहले इंटर की इंग्लिश में मुंबई से, उसके बाद वहीं बीए की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद स्कॉलरशिप लेकर निकल गए न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जाकर के उन्होंने पहले एमए करी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकले। यहीं नहीं रुके हुए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर पहले एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई करी और फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया। किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। महाराजा सयाजी गायकवाड़ से इन्हें बड़ा प्रेम था, जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी, पढ़ने में इनकी हेल्प करी थी। दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम है भूले नहीं थे। वापस उन्हीं के पास आ गए और बोले दुनिया भर में पढ़ के आए हूँ, अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। अब ये बड़ी पोजीशन पर तो आ गए थे, लेकिन छुआछूत ने इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वहाँ भी जो सरकारी पियोन होता था वो उन्हें फाइल दूर से फेंक कर दिया करता था। बोलता था तो नीच जाति का है, आज गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ। दूर से फाइल फेंकते थे, उनके पास नहीं जाते थे। उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाकर खा। आज भी वे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हुए भी। भीमराव अंबेडकर की मुश्किलों का सिलसिला फ्रेंड्स अभी थमा नहीं था। उनकी पत्नी रमाबाई से 5 संतानें हुई, जिनमें से 4 संतानों का एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से न मिल पाने के कारण देहांत हो गया। 4 बच्चों का देहांत हुआ, एक बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे लंबा साथ नहीं दे पाई, उनका भी लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता है, लेकिन यह करते रहे, यह साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया, सत्याग्रह पर निकल गए। 1927 के इस महान सत्याग्रह में वह जिद पर अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पिलाने का अधिकार दिला के रहूंगा। ये सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है। जो सरकारी स्थान है वहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पानी पी सकता है। उन्होंने दलित महिलाओं को भी अधिकार दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबें रिवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा। देश ने इनको भारत रत्न दिया।
इनके ज्ञान बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन भी बनाया गया। ये वह पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे देश के कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। इनके हर काम में सहनशीलता लगातार दिखती रही। ये बौद्ध धर्म को मानने लगे, ये सभी को समान दृष्टि से देखते थे। अपने जीवन के अंतिम समय तक ये काम प्रेम से करते रहे, किसी से कोई लड़ाई नहीं की। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के जीवन से हम यह सीख ले सकते हैं कि जीवन में लगातार सीखते रहो। अंबेडकर जी लगातार पढ़ते रहे और ज्ञान लेते रहे और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे। इसी तरह हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, अपने स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हम लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, हमें सक्सेस मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ लगातार 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 मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।